नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ एस्कॉर्ट्स ऑनलाइन चैनल के अंदर ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी सीरीज़। जो पिछले एपिसोड में आपने जाना था इंजन के बारे में, क्लच के बारे में, गियरबॉक्स के बारे में और स्टेयरिंग के बारे में, तो आज जो ये पांचवा एपिसोड है आज हम आपको दर्शाने वाले हैं वो है हाइड्रोलिक्स। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है हाइड्रोलिक्स एक बहुत बड़ा अंग है पूरी ट्रैक्टर में और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि आपको मालूम है ट्रैक्टर से तीन मेजर पावर आउटपुट ली जाती है। पहला है ग्राउंड व्हील से, दूसरा है पीटीओ से और तीसरा जो है वो हाइड्रोलिक्स से। और हाइड्रोलिक्स में दो तरीके के आपको आउटपुट इस्तेमाल की जाती है, एक थ्री पॉइंट लिंकेज से और दूसरा हाइड्रोलिक प्रेशर पाइप से, जैसे QRC कपलर से आपने टिपिंग ट्रॉली डोजर वगैरह चलाने के लिए। तो आइए दोस्तों आज हाइड्रोलिक्स टेक्नोलॉजी के बारे में बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोलिक्स के अंदर दो टाइप के आपके सेंसिंग टेक्नोलॉजी आते हैं, एक है टॉप लिंक सेंसिंग और दूसरा है लोअर लिंक सेंसिंग। तो अगर आप जानना चाहोगे ऐसा कौन सा कंपनी है पूरे ट्रैक्टर इंडस्ट्री में जिसके पास ये दोनों ही टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, और उस कंपनी का नाम है एस्कॉर्ट्स। तो फार्म ट्रैक और पावर ट्रैक ब्रांडों में आपको कुछ मॉडलों में टॉप लिंक सेंसिंग मिलेगा और कुछ मॉडलों में लोअर लिंक सेंसिंग मिलेगा। तो ये दो अलग अलग सेंसिंग टेक्नोलॉजी से फायदा क्या है, उपकरण के अनुसार, एप्लीकेशन के अनुसार ये दो अलग अलग टेक्नोलॉजी बहुत ही कारगर होते हैं। हाइड्रोलिक्स के अंदर सेंसिंग बहुत मुख्य रोल प्ले करता है, आइए उसको जानने की कोशिश करेंगे। और उसका नाम है ADDC, ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल। तो डेप्थ का माने जब कोई ट्रैक्टर आप लेके चल रहे हो, एक ही नियमित डेप्थ आपको पूरी खेत में प्राप्त हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक डेप्थ है। और ड्राफ्ट यानी जो फोर्स आता है, जो रेजिस्टेंस आता है, वो एक ही तरीके का रहेगा तो ट्रैक्टर पे लोड कम रहेगा और ट्रैक्टर के साथ जो उपकरण जोड़े हैं वो भी बिना कोई रुकावट चलते रहेंगे। तो अभी आपके स्क्रीन पे देखिएगा ये ADDC सेंसिंग से क्या फायदे होते हैं। पहला देखिए, जब ट्रैक्टर उपकरण को लेके उतार चढ़ाव एरिया में जब चल रहा है तो एक ही नियमित डेप्थ लेके चलेगा। दूसरा, ट्रैक्टर पे जो लोड आता है वो एक जैसा आएगा, पूरी खेत में आप चला लो उपकरण के साथ, एक जैसा लोड होने से डीजल की खपत कम रहती है, बार बार उपकरण को उठाना नहीं पड़ता है, ड्राइवर बिना थके ज़्यादा काम कर सकता है और टायर की नियत भी बनी रहती है। और तीसरा बहुत मुख्य है और वो है, अगर ट्रैक्टर खेत में चलाते टाइम उपकरण गहराई में काम कर रहा है, कुछ अड़चन आ गया तो ट्रैक्टर उसको सेंस कर लेगा और उपकरण को तुरंत ऊपर उठा देता है, और जब वो अड़चन निकल जाता है तो ऑटोमेटिक उसी डेप्थ पे उपकरण को नीचे ले जाता है और ड्राइवर को कम मेहनत करना पड़ेगा, माने लीवर को बार बार उठाने की नौबत नहीं आती है, ऑपरेटर को ट्रैक्टर की रोकने की नौबत नहीं आती है, बार बार उपकरण को ऊपर नीचे उठाने की भी नौबत नहीं आती है। इससे कम डीजल की लागत में, कम समय में ज़्यादा खेत को जोत सकता है और ज़्यादा कमा सकता है, वो है ADDC का फायदा। आइए दोस्तों एक वीडियो देखें, वीडियो के अंदर ये कैसे ऑपरेट करता है, इसका फायदा क्या है देखेंगे। यूरो 50 के अंदर जैसे आप जानते हो बहुत बढ़िया हाइड्रोलिक्स हमने दी हुई है, सेंसी वन हाइड्रोलिक्स। तो इस सेंसी वन हाइड्रोलिक्स के अंदर कैसे सेंसिंग काम करती है, खड़े खड़े ट्रैक्टर में चालू करके उसकी एक्सपीरियंस किसान भाई को कैसे देंगे, उसकी जानकारी देने वाला हूँ। उसको करने के लिए आपको पहला क्या करना होगा, इसकी जो टॉप लिंक है, टॉप लिंक आप दूसरे होल के अंदर इसको माउंट करोगे और टॉप लिंक को थोड़ा खोल लो, तो खोलने इसको घुमाने से ये खुल जाता है ताकि ये लंबा बन जाए, सेंसिंग दिखाने के लिए ये मददगार रहेगा। साथ ही साथ आपको करना क्या है, ट्रैक्टर चालू करना है, चालू करने के बाद जो ऑरेंज कलर का लीवर है जैसे मैंने पकड़ा हुआ है यहाँ पर, ये ऑरेंज कलर लीवर से आप इस लोअर लिंक को उठाओगे। जब ये उठने लग जाएगा तो आप उसको रोकोगे और हल्का सा आगे करोगे ताकि ये लोअर लिंक नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए। जिस पॉइंट पे ये लोअर लिंक नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पे इस लीवर को हाथ छोड़ दो, तो वहाँ पे ये सेंसिटिव जो रहता है हाइड्रोलिक का, बहुत ही सेंसिटिव रहता है, तो आप हाथ से ही उसकी सेंसिंग करके दिखा सकते हो। तो एक बार आपने लीवर की हाथ छोड़ दी तो आप किसी किसान भाई को यहाँ इस लीवर के लोअर लिंक के ऊपर खड़े करने के लिए बोल दीजिए, दो अलग अलग किसानों को। उसके बाद आप ये जो टॉप लिंक देख रहे हो इसको
ऐसे खींच के आप सेंसिंग की एक्सपीरियंस उनको दे सकते हो। तो इस ट्रैक्टर के अंदर ADDC सेंसिंग है, ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल। तो ये जो आप करके दिखाने वाले हो, ये ड्राफ्ट सेंसिंग कैसे होता है उसकी एक्सपीरियंस दे रहे हो इसके अंदर। आइए ड्राइवर जी, थोड़ा ट्रैक्टर चालू कीजिए। अभी देखिए ऊपर उठने लगा तो मैंने रोक दी और हल्का सा मैं नीचे कर रहा हूँ, और ये जब नीचे गिरने लग गया तो इसको छोड़ देंगे और एक किसान भाई को बुलाएंगे। आ जाओ भाई इधर, यहाँ पर खड़े हो जाओ इस पे। तो एक बार ये खड़े हो गए तो इनको एक्सपीरियंस हम दे सकते हैं कैसा होता है सेंसिंग। और इस लीवर को हम ऐसे पकड़ के खींचेंगे पीछे की तरफ और ये उठेगा। ये वापस उसी डेप्थ पे जा रहा है जब अड़चन चली गई। तो जब भी यहाँ ड्राफ्ट की रेजिस्टेंस आती है तो इस तरीके से ये पुल होता है, और जब ड्राफ्ट निकल जाती है तो वापस उसी डेप्थ के अंदर वो उपकरण को नीचे छोड़ देता है। बंद कीजिए गाड़ी को। तो अभी हमने क्या देखा इधर, हमने देखा कि जब ट्रैक्टर चल रही है उपकरण नीचे गहराई के अंदर जाते हुए तो कुछ अड़चन आ जाता है, पत्थर आ गया, हार्ड पैच आ गया, कोई रूट आ गए कोई पेड़ के। तो अड़चन आने से ऑटोमेटिक ये जो ट्रैक्टर की सेंसिंग पॉइंट रहती है टॉप लिंक, यहाँ से सेंसर दबता है, सेंसर दबते ही ये लोअर लिंक ऊपर आ जाते हैं। इसका मतलब जो भी अड़चन है उसको वो पार करने के लिए उपकरण को ऊपर उठा लेता है, जब अड़चन निकल जाती है तो वापस उसी डेप्थ के अंदर वो वापस उपकरण को छोड़ देता है। तो जब ये अड़चन आती है तो ऊपर आता है तो उसको ड्राफ्ट सेंसिंग बोलते हैं, और अड़चन निकल जाती है तो वापस उसी डेप्थ पे छोड़ता है तो उसको ऑटोमेटिक डेप्थ सेंसिंग भी बोलते हैं। तो ADDC ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल जिसको कहते हैं। दोस्तों जैसे वीडियो में आपने देखा ट्रैक्टर की ADDC सेंसिंग कैसी चेक की जाती है और कैसे उसको एक्सपीरियंस किया जाता है। अगर ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक्स सही नहीं है तो यूजुअली किसान बहुत सारी दिक्कतें फेस करता है, जैसे कई बार उपकरण के साथ चला रहा है खेत में और उपकरण कंपन महसूस करता है या जडरिंग जो बोल सकते हैं, और दूसरा उपकरण ऊपर का ऊपर ही स्टक हो जाता है और नीचे नहीं आता है, और तीसरा बहुत मुख्य है जहां पर किसान हमेशा दिक्कतें महसूस करता है कि बार बार उपकरण को ऊपर किया नीचे किया, ऊपर किया नीचे किया। क्यों? क्योंकि उसकी सेंसिंग ठीक से काम नहीं कर रही है, वो खेत के हिसाब से ज़मीन की हार्डनेस सेंस नहीं कर पा रही है, तभी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इन सब दिक्कतों को देखते हुए एस्कॉर्ट कंपनी ने पावरट्रैक ब्रांड के अंदर एक टेक्नोलॉजी निकाली और उसका नाम है सेंसी वन। जो अभी आपने ट्रैक्टर में जो डेमो देखा वो सेंसी वन हाइड्रोलिक्स का ही डेमो आपने देखा है। तो सेंसी वन इंडियाज नंबर वन लिफ्ट, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलेगा परफॉर्मेंस में नंबर वन, रिलायबिलिटी में नंबर वन और सर्विसेबिलिटी में भी नंबर वन। तो ये सारे गुण अगर एक ट्रैक्टर के अंदर आ गए तो उसी को हम बोलते हैं सेंसी वन इंडियाज नंबर वन लिफ्ट। आइए दोस्तों ये क्या खूबी हम ट्रैक्टर के अंदर ले आए जिसकी वजह से ये नंबर वन बना है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो ऑरेंज वाला जो लीवर है इसको हम बोलते हैं ADDC सेंसिंग वाला लीवर या ड्राफ्ट सेंसिंग लीवर। इसको जब ऑपरेट करोगे तो उपकरण जैसे आपके जमीन के अंदर भीतर जाके काम करेंगे, MB प्लो, कल्टीवेटर, सब सॉइलर जैसे उपकरण इस्तेमाल करोगे क्योंकि इसके अंदर ADDC सेंसिंग उपलब्ध है। और जो ब्लैक कलर लीवर है इसका नाम है पोजीशन कंट्रोल लीवर। इसका इस्तेमाल जब करोगे जब कोई उपकरण 6 इंच के ऊपर जमीन के ऊपरी भाग में काम करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल चाहिए होगा, उपकरण जैसे रोटोवेटर, लेवलर या सीड ड्रिल इस्तेमाल के लिए ये फायदेमंद होगा। इस पिक्चर में जैसे दर्शाया गया है कि इस ट्रैक्टर के अंदर अगर आप नीचे से ऊपर तक जब हमारी लोअर लिंक जाती है तो 120 स्टेप आपको कुल मिला के मिलते हैं, माने 120 सीढ़ियां। तो उतनी बारीकी से अपना लिफ्ट नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे काम करेगा। इसका फायदा यह है कि जब भी आप बीज बोने वाला मशीन या कोई सेंसिंग वाला मशीन इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत बारीकी से काम करेगा, जिससे आपका जो बीज ढलेगा या
जो जुताई होगी एक ही समान डेप्थ के अंदर होगी, जिससे आपकी जब फसल उग के आएगा तो एक ही समान आएगा और क्वालिटी जो आएगा क्रॉप का वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। और इस ट्रैक्टर में एक खास चीज है, दोनों लीवर को आप मिक्स करके भी चला सकते हो, मिक्स मोड या ब्लेंडिंग मोड हम उसको बोलते हैं, जिससे सॉफ्ट सॉइल या रेतीला जमीन या नमी ज्यादा जहां जमीन पे है तो वहां पर यह मिक्स मोड बहुत काम का होता है। इस ट्रैक्टर में हमने एक स्पेशल नॉब दिया है, ये दो काम करेगा, एक ट्रांसपोर्ट लॉक का काम करेगा और दूसरा आइसोलेटर वॉल का। जैसे कि आपको उपकरण खेत से अगर घर से खेत ले जाना है तो आप उपकरण को उठा के इसको लॉक कर दोगे पूरा इस तरीके से, तो रोड में चलते समय अगर लीवर गलती से नीचे भी आ गया तो आपकी लिफ्ट नीचे की तरफ नहीं आएगी। और दूसरी चीज, अगर आपको टिपिंग ट्रॉली का काम करना है और QRC कपलर आपने एक पाइप के मुकाम से ये ज्वाइन किया है, तो जब भी लीवर ऑपरेट करोगे, जब ये लॉक की स्थिति में है, तो आपका टिपिंग ट्रॉली उठाने गिराने में मददगार भी हो जाता है। मगर ध्यान रहे, जब खेत में जाने के बाद उपकरण का काम करना है तो इसको लॉक को इस तरीके से हटा दो और आपका 3-point लिंकेज काम करना चालू कर देगा। तो ये था दोस्तों हाइड्रोलिक लीवर की परफॉर्मेंस की नंबर वन। इस ट्रैक्टर के अंदर जैसे रिलायबिलिटी की बात करें तो ये देख सकते हो हाइड्रोलिक आर्म्स जो है इतने मोटे और मजबूत दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो स्टेनलेस स्टील ग्रेड का मटेरियल है। आमूमन ये हमारा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोडर डोजर में इस्तेमाल होता है, वो मटेरियल स्ट्रेंथ वाला हमने इस्तेमाल किया। इससे 50% इस आर्म की स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई है, जैसे पिक्चर में दर्शाया गया। आप देख सकते हो रेगुलर हाइड्रोलिक्स के अंदर 24 पिन जॉइंट्स और 27 लिंक जॉइंट्स आपको प्राप्त होते थे। अभी नया सेंसीवन हाइड्रोलिक्स के अंदर आप देख सकते हो आपको 5 पिन जॉइंट्स और 11 लिंक जॉइंट्स प्राप्त होते हैं। जितना जॉइंट्स कम होते हैं उतनी फ्रिक्शन कम होती है, ड्राइवर जब हाइड्रोलिक लीवर ऑपरेट करता है तो कम मेहनत लगता है। और सबसे बढ़िया चीज ये है, जब भी उपकरण के साथ सेंसिंग का आप काम कर रहे हो और मोड़ के वक्त जब लिफ्ट उठाते हो और वापस रखते हो, तो वही गहराई ठीक बारीकी से जाके वो रुक जाता है और गहराई आपको एक समान पूरी खेत के अंदर काम करेगा। इससे उपजाऊ ज्यादा रहेगा और वही खेत से आपका आमदनी ज्यादा रहेगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, सर्विसेबिलिटी में भी इस ट्रैक्टर में बहुत सुविधा दी गई है। जैसे कि सिलेंडर चेक वॉल होता है, तो ये चेक वॉल बाहर से भी आप इसको खोल सकते हो, साफ कर सकते हो अगर कचरा जमा है तो। और जो सिलेंडर सेफ्टी वॉल है वो भी देख सकते हो, बाहर से ही आप इसको चेक कर सकते हो। और एक खास चीज है रिलीफ वॉल, वो भी बाहर से ही आप चेक कर सकते हो। बोलने का मतलब ये है कि हाइड्रोलिक की कुछ भी छोटी मोटी मेंटेनेंस है तो आपको लिफ्ट को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से ही आप इसकी सर्विस स्टेशन के अंदर सर्विस करा सकते हो। यही नहीं, आपके यहाँ अगर जमीन हार्ड है, सॉफ्ट है, मीडियम है, तो उसके प्रकार भी ये हाइड्रोलिक सेंस कर सकता है, यहाँ पिक्चर में जैसे दर्शाया गया है। लिफ्ट कैपेसिटी की अगर बात करें सेंसी वन के अंदर, तो इसके अंदर प्राप्त होता है 1600 किलो या 2000, पूरे इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट लिफ्ट कैपेसिटी आपको इसमें प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहोगे इतनी हाई लिफ्ट कैपेसिटी का फायदा क्या है, ये लिफ्ट कैपेसिटी होता है लोअर लिंक के पॉइंट के अंदर, मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अगर आप इसको मेजर करोगे कि कितना लिफ्ट वहां से ये उठा सकता है, वो होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी। ये बहुत फायदेमंद होता है जब आप लोडेड ट्रॉली को उठा के हिच करना चाहोगे। और दूसरी, ये बड़े बड़े उपकरण आ रहे हैं आजकल, आलू बुने वाला मशीन, आलू डिगर, ये सारे ही हैवी उपकरण को उठाने में, जोड़ने में और ऑपरेट करने में बहुत मददगार होता है ये हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी। फार्म ट्रैक और पावर ट्रैक ट्रैक्टरों में अगर आप जानना चाहोगे तो मिनिमम स्टार्ट होता है 1300 kg और मैक्सिमम हमारे ट्रैक्टरों में प्राप्त होता है 2500 kg। एक और मुख्य फीचर मैं बताना चाहूँगा, वो है ट्रांसपोर्ट लॉक और लोवरिंग रेट कंट्रोल। इसका फायदा यह है कि एक तो सेफ्टी फीचर हो गया, आप उपकरण घर से खेत से घर ले जा रहे हो तो ट्रांसपोर्ट लॉक लगा सकते हो। दूसरा जो है, आप उपकरण जो नीचे आएगा उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। आइए दोस्तों एक वीडियो देखें, वीडियो के अंदर ये कैसे ऑपरेट करता है, इसका फायदा क्या है देखेंगे। ये लिफ्ट में नॉब जैसा लीवर नई चीज क्या है? ये सर 2-in-1 नॉब है, आम भाषा में इसको हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट लॉक की तरह। अगर ये इस तरफ है तो अभी ये नॉर्मल पोजीशन पे, अगर हम इस तरफ कर देंगे तो ये ट्रांसपोर्ट लॉक का काम करेगा। यानी कि अगर आप खेती से अपना इम्प्लीमेंट सड़क पर लेके जा रहे हैं
तो आप इंप्लीमेंट की हाइट को सेट करेंगे और यहाँ से ट्रांसपोर्ट लॉक कर देंगे, तो आपका इंप्लीमेंट नीचे की तरफ नहीं आएगा। और दूसरा काम जो ये करती है, बहुत ही खास फीचर है, वो है लोअरिंग रेट कंट्रोल। यानी कि जब आप भारी उपकरण लेके जा रहे हैं, जब आपने उसको नीचे रखना है, तो आप यहाँ से उसके गिरने की, नीचे गिरने की गति को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप आलू की बिजाई करते हैं, आलू की बिजाई में अमूमन क्या होता है, भारी मशीन और ऊपर बहुत सारे लोग भी बैठे होते हैं, तो जब आप उसको मोड़ते हो, ऊपर नीचे करते हैं, तो लोगों को झटका लगता है और उनको हानि पहुंचने की भी स्थिति आ जाती है। तो आप इसको बीच में कर या किसी और भी पोजीशन में, जिस स्थिति में आप जितनी स्पीड चाहते हैं उस पर आप सेट कर, आप यहाँ से जब उसको नीचे करेंगे लीवर को, पोजीशन लीवर से, तो बहुत ही धीरे धीरे ये नीचे गिरेगा। आइए इसका डेमो देखते हैं। इस पोजीशन में देखिए, जब भी पोजीशन इस तरफ है नॉब, तो लिफ्ट कितनी तेजी से नीचे गिरता है। अब अगर लिफ्ट को आपको आराम से नीचे लेके जाना है, आप चाहते हैं कि आपके भारी इंप्लीमेंट जो है आराम से नीचे की ओर आए, तो इसकी पोजीशन को किसी भी बीच की स्थिति में सेट कर दीजिए। अभी हमने इस पूरी स्थिति में सेट किया है, आइए देखते हैं कि इंप्लीमेंट किस तरीके से नीचे गिरा। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे हाइड्रोलिक लीवर के बारे में, जो थ्री पॉइंट लिंकेजेस के काम करने होते हैं। तो फार्म ट्रैक, पावर ट्रैक ट्रैक्टरों में हाइड्रोलिक्स हम देते हैं, जो ड्राइवर सीट की तरफ होता है ऑरेंज कलर वाला लीवर, उसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट लीवर, जिसमें सेंसिंग उपलब्ध है। और जो फेंडर की तरफ है काला वाला लीवर, हम उसको बोलते हैं पोजीशन कंट्रोल लीवर। आइए एक वीडियो के अंदर ये दोनों लीवर की फंक्शन कैसे काम करता है और एक दूसरे को कैसे हम आसानी से पहचान पाते हैं, वो ट्रैक्टर के ऊपर हम देखेंगे। इस ट्रैक्टर के अंदर तीन लीवर वाला हाइड्रोलिक्स दिया है। जो फेंडर की तरफ वाला लीवर है, इसको बोलते हैं पोजीशन लीवर, काले कलर वाला। इससे आप सेकेंडरी उपकरण जैसे कि रोटोवेटर, सीड ड्रिल या लेवलर चला सकते हो। उसके बगल वाला लीवर है केसरी रंग का, ऑरेंज कलर का, इसको बोलते हैं ड्राफ्ट लीवर। इसके अंदर ADDC सेंसिंग मिलेगा, तो आप इसके अंदर उपकरण जैसे कि MB प्लाउ, सब सॉइलर, जो प्राइमरी उपकरण कहलाते हैं और जमीन के भीतर जाके काम करते हैं और जिनको सेंसिंग चाहिए, वो सारे उपकरण आप चला सकते हो। हाँ, आप साथ में दोनों ही लीवर, ड्राफ्ट और पोजीशन लीवर, मिक्स करके भी चला सकते हो, जिसको मिक्स मोड या ब्लेंडिंग मोड भी कहते हैं। जमीन जहाँ रेतीला हो या नमी ज्यादा है जमीन के अंदर, तभी आप मिक्स करके भी चला सकते हो। और तीसरा लीवर है, इसका नाम है ऑक्सिलरी लीवर। ये अक्सर काम आता है टिपिंग ट्रॉली को उठाना, गिराना, या डबल एक्टिंग है तो आप इससे लेजर लेवलर चला सकते हो, डोजर चला सकते हो, या पल्टी MB प्लो, रिवर्सेबल MB प्लो भी चला सकते हो। आइए अभी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, जब आप पोजीशन लीवर को ऑपरेट करते हो तो किस तरीके से लोअर लिंक उठता है और गिरता है, और जब आप ड्राफ्ट लीवर ऑपरेट करते हो किस तरीके से उठता है और गिरता है, और इन दोनों में फ़र्क क्या है। इसमें एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, फार्म ट्रैक के अंदर हमने पोजीशन लीवर फेंडर की तरफ दिया है, ड्राफ्ट लीवर जिसमें सेंसिंग है वो ड्राइवर सीट की तरफ दिया है। कुछ अन्य ट्रैक्टर कंपनियों में होता क्या है, उनका ड्राफ्ट लीवर फेंडर की तरफ रहेगा, पोजीशन लीवर इस तरफ रहेगा, जैसे महिंद्रा हो गया, स्वराज हो गया। तो जब भी किसान दूसरे ट्रैक्टर चलाने जाएगा तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसको कैसे पहचाने, कैसे जाने कि कौन सा ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर है, कौन सा पोजीशन कंट्रोल लीवर है, तो वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ही लीवर नीचे करेंगे, ट्रैक्टर को चालू करेंगे और धीरे 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 लीवर उठाते जाएंगे और देखेंगे कौन सा वो लीवर है जिससे वो स्टेप बाय स्टेप उठता है और स्टेप बाय स्टेप गिरता है। हाँ, जब भी मैंने बीच में छोड़ दिया तो उठना रुक जाता है वहीं पर, और थोड़ा उठाता हूँ तो उठ जाता है, तो वो लीवर होता है पोजीशन लीवर, जिसमें सेंसिंग नहीं होता है। और कौन सा लीवर से मैं उठाता हूँ, एक पॉइंट पे पूरा उठ जाता है और पूरा गिर जाता है, वही लीवर होता है ADDC सेंसिंग वाला लीवर। आइए इसको करके देखें। अभी देखिए, मैं पोजीशन लीवर से उठा रहा हूँ और नीचे लोअर लिंक कैसे उठ रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप उठ रहा है, उठता है रुकता है, उठता है रुकता है, उठता है रुकता है। मैंने छोड़ दिया तो वहीं पर रुक जाएगा, फिर मैं उठाता हूँ तो उठ जाएगा। तो अगर मैं पूरा उठाना चाहूँ तो पूरा उठा दिया तो पूरा भी उठ जाता है, और जब मैं इसको नीचे ले जाना चाहूँगा पोजीशन लीवर से, तो देखिए मैंने गिराया, रोक दिया, रुक गया, हल्का सा और गिराया, रोक दिया, रुक गया, हल्का सा और गिराया, रोक दिया, पूरा गिराना चाहूँ तो पूरा नीचे कर दिया,
पूरा रुक गया, मतलब पोजीशन लीवर से धीरे धीरे उठेगा स्टेप बाय स्टेप और धीरे धीरे गिरेगा स्टेप बाय स्टेप, और कहीं पे बीच में रोकना है तो हाथ छोड़ दिया तो वहाँ बीच में रुक जाता है। आइए अभी ड्राफ्ट लीवर से देखें कैसा होता है। मैं लीवर उठा रहा हूँ, देखिए लोअर लिंग अभी भी उठा नहीं है, उठा रहा हूँ, एक पॉइंट पे पूरा ही उठ जाएगा। देखिए मैंने छोड़ दिया, पूरा का पूरा उठ गया, और नीचे गिराने जाऊँ तो पूरा ही नीचे गिर गया। जैसे कि आपने देखा ड्राफ्ट लीवर से पूरा ही उठा, पूरा ही गिर गया, मतलब उसके अंदर सेंसिंग है तो इसलिए वो पूरा उठता है और पूरा गिर जाता है। पोजीशन लीवर से स्टेप बाय स्टेप उठता है और स्टेप बाय स्टेप गिरता है। ट्रैक्टर के ऊपर आपने जाना पोजीशन लीवर ड्राफ्ट लीवर कैसे काम करते हैं, और एक मुख्य चीज़ आपने जाना कि पोजीशन और ड्राफ्ट दोनों लीवर साथ में चलाने से क्या फ़ायदा है, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड या ब्लेंडिंग कंट्रोल। आपके स्क्रीन पे देखिए जो लाल रंग में लिखा हुआ है विदाउट मिक्स कंट्रोल, अगर आप मिक्स कंट्रोल इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो क्या हो रहा है, ज़मीन जो है एक तरीके से नहीं रहता है, कहीं पे हार्ड सॉइल होता है, कहीं पे सॉफ्ट होता है और कहीं पे फिर से हार्ड होता है। तो जब भी ट्रैक्टर जुताई करते टाइम हार्ड सॉइल पे चल रहा है तो एक लेवल का डेप्थ लेके चल रहा है, जब वो सॉफ्ट सॉइल की तरफ चला जाता है तो ऑटोमेटिकली उपकरण की खुद की वजन से वो नीचे धस जाता है और डेप्थ ज़्यादा ले लेता है, जिससे ट्रैक्टर में लोड ज़्यादा आता है, टायर स्लिप होने लगता है, काला धुआं निकलता है, डीजल कंजप्शन बढ़ जाता है। तो अक्सर किसान करता क्या है, लीवर ऊपर उठाता है, फिर जब वो अड़चन निकल गई तो नीचे कर देता है, जो ऊपर नीचे करते वो थक भी जाता है। इस समय के अंदर स्क्रीन पे हरे रंग में जो लिखा हुआ है मिक्स्ड कंट्रोल या ब्लेंडिंग कंट्रोल, ये फीचर का इस्तेमाल आपको करना होगा। तो इसमें फ़ायदे आप देख सकते हो, जब ये जुताई करते जाता है जो नीचे जो लाइन दिया गया है वो लगभग हार्ड सॉइल और सॉफ्ट सॉइल में एक जैसा डेप्थ दे रहा है। इससे फ़ायदा क्या होगा किसान को, जुताई के बाद जब वो बीज डालेगा तो बीज एक ही लेवल में डेप्थ में पड़ेंगे, साथ में जब बीज उबर के छोटे पौधे में आ जाते हैं तो उनको पोषण जो मिलेगा नीचे ज़मीन के अंदर एक जैसे मिलेगा, और जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो एक साथ ही बड़े होते हैं, कीटनाशक या पानी जब आप डालते हो तो एक ही तरीके से डालना पड़ेगा, ज़्यादा कम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और अल्टीमेटली जब आउटपुट आता है फसल निकल के आता है तो एक ही क्वालिटी का मिलेगा। जब बाज़ार में आप ये फसल बेचने जाते हो तो इसमें आपको ज़्यादा दाम मिलेंगे, क्योंकि सारे दाने दाने एक ही क्वालिटी आपको प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ADDC सेंसिंग, साथ में मिक्स कंट्रोल इस्तेमाल करना। तो दोस्तों अभी मैं आपको ये मिक्स और ब्लेंडिंग कंट्रोल कैसे करते हैं उसकी जानकारी देना पसंद करूँगा। मिक्स ब्लेंडिंग कंट्रोल वही करते हैं जहाँ पर मिट्टी रेतीली है और या मिट्टी के अंदर नमी ज़्यादा है। इसके लिए आपको उपकरण को बांध के ट्रैक्टर में खेत के अंदर ले जाना होगा और ड्राफ्ट लीवर से डेप्थ देना होगा। जब आप ड्राफ्ट लीवर से डेप्थ दोगे, जब आपको लग रहा है कि आपको 6 इंच का डेप्थ प्राप्त हो गया, उस लीवर को वहीं पे एक लीवर लॉक से बांध दीजिए। उसके बाद क्लच को दबा दीजिए ताकि ट्रैक्टर चलते रुक जाएगा, मगर इंजन चालू है। पोजीशन लीवर को धीरे 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 ऊपर उठाते जाइए, एक पोजीशन पे एक हल्का सा झटका महसूस होगा, 3 पॉइंट लिंकेज पर झटका महसूस होते ही आधा इंच पोजीशन लीवर को आप नीचे की तरफ करके छोड़ दीजिए। अभी क्या हो गया, ब्लेंडिंग मिक्स कंट्रोल। इसमें होगा क्या, ड्राफ्ट लीवर 6 इंच की गहराई में जुताई करते चलेगा, जब भी सॉफ्ट सॉइल आ जाता है तो नीचे से जो है पोजीशन लीवर 6.5 इंच पे खड़ा है, अगर उपकरण नीचे धसने की कोशिश करेगा तो पोजीशन लीवर उसको नीचे से होल्ड कर लेगा, तो मैक्सिमम आपका वेरिएशन आधा इंच का होगा। तो 10 एकड़ खेत है, 10 एकड़ अगर इस सेटिंग के साथ आप चलाते चलोगे 6 इंच डेप्थ आपको मिलेगा, अगर कहीं पे नमी ज़्यादा है, रेतीला है, तो मैक्सिमम आधा इंच का फर्क आपको महसूस हो सकता है। तो यह है मिक्स्ड और ब्लेंडिंग कंट्रोल। अगर इसके अंदर आपको कोई डाउट है तो प्लीज वीडियो पे कमेंट कीजिए, हम उसको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपके किसान भाई को या आपके दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आने वाले एपिसोड को आप मिस ना करें। धन्यवाद।